दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल गम है किसी के प्यार में। सई और विराट दोनों ही अपने कमरे में जाते हैं और विराट उसका सामान पहले से पैक करना शुरू कर देता है। तो सई कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? और विराट को उसके जो ड्रेसेस है शादी वाली, वो देख कर याद आता कि उनकी शादी को भी एक साल हो जाएगा लेकिन शायद हम उस तब साथ नहीं होंगे। और सई पूछती है तो कहते हैं, मैं तुम्हारा सामान पैक करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है तुम्हें। और तभी विराट को ये सब कुछ देखकर सई खुद कहती है कि हाँ, अब तो तुम मुझे तो छोड़कर चली जाओगी ना। और उसके बाद सई को गुस्सा आता है कि वो उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा और वो बहुत जल्दी जल्दी में अपना सामान पैक कर रही होती है। ऊपर चढ़ जाती है चेयर पर, अपना ब्रीफकेस उतारने की कोशिश करती है लेकिन तभी गिर जाती है और विराट उसे संभालता है। तभी दिखाया जाता है कि विराट जैसे उसका सामान पैक कर रहा होता है, उस पर उसके टीयर्स गिरे होते हैं। तो उसको देख कर सई कहती है कि सर आप रो रहे हैं विराट सर? उन्होंने कहते नहीं, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। और सई को सई वहाँ पर अपना सामान पैक कर रही होती है तो विराट को इस तरह से देख कर सई पूछती है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है कि सई मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं हर दिन अपने आप को खोजता हूँ और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी गलती कर दी कि मैं अपने आप को ही खत्म कर दूँ। और उसके बाबा की वो फोटो देख कर उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है और कहता है कि आप मुझसे इसे कहेंगे ना तो ये मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी, आप कहिए ना इसे मुझे माफ़ कर दे। वो बुरी तरह से टूटा हुआ सा नज़र आता है जिसे देखकर सई भी पिघल जाती है और वो कहती है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। और जल्दी से ऐसे कहती है मैंने आपको माफ़ कर दिया और विराट उसे गले लगा लेता है और वो उसके टीयर्स पहुँचते हैं और दोनों एक दूसरे के आंसू पहुँचते हैं और काफ़ी इमोशनल मोमेंट यहाँ पर दिखाया जाता है। वो उसे गले लगा लेती है और विराट उसके फोरहेड पर किस करता है। ये सब नज़ारा देख कर पत्रलेखा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि शायद विराट ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी किसके साथ स्पेंड करना चाहती है, शायद मुझे भी ये चीज़ मान लेनी चाहिए क्या। तभी विराट को उससे ही कहती है कि अब आप ही पुलकित सर को कहेंगे वरना वो मुझे पता नहीं क्या क्या सुना देंगे। तो विराट खुद कॉल करता है और वो कहता है पुलकित को कि वो सही अब आपके साथ नहीं जाना चाहती। तो पुलकित कहता है मुझे ये नहीं पता था कि तुम ये हरकत करोगे विराट, तुम उसे फोर्स कर रहे हो। तभी सही वो फ़ोन लेती है और वीडियो कॉल पर कहती है कि नहीं जी, जो मैं खुद उन्होंने दिल से माफ़ी मांगी और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है तो मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। और अब विराट और सई की एनिवर्सरी के साथ में सई के बाबा की बर्सी भी आने वाली है जिसे वो साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और दिखाया जाएगा कि आने वाले एपिसोड में सनी एक आइडिया देता है कि तुम ऐसा करो कि तुम बहुत ही अच्छे रोमांटिक वे में इसको मनाओ और भाभी से दिल की बात कह दो। तो विराट भी यही डिसाइड करता है और जाकर सई को बताता है कि मेरे ऑफिस से कोई इस ट्रिप पर जा रहे हैं तो सभी को अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ साथ जाना, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? और वो काफ़ी घबरा होता है कि वो रोमांटिक ट्रिप पर जाना चाहता है सई के साथ और सई भी सोच में पड़ जाती है और ये दोनों ही हनीमून मनाने के लिए जाने वाले हैं।